तरह मौजूद है, उसमें कोई झगड़ा नहीं है। आई ना सुन, हजरत शाह अब्दुल अजीज दबाव कहाँ के आलिम थे? शेख अबुल हसन फिरकानी कौन से मदरसे में पढ़े? अली खफा, शेख अली खफा सब बेशुमार हैं वो जिनको अल्लाह ने आता है। देखो इल्म दो तरह का है ना, एक इल्म वो भी है कि जिसके लिए कहता है रहमान अल्लाह मत को रहा, उसको रहमान ने सिखाया। बात क्या है, दोनों इल्म अपनी अपनी जगह मुसल्लम है, एक इल्म है एक मालूमात है। किताबों से जो हासिल करते हैं वो इल्म नहीं होता, वो इख्तिसाब होता है और मालूमात होती है। इल्म तो वो था जो आप फरमा गए, अब सारे उसी से मालूमात हो गए, वो बढ़ता जा रहा है। एक हदीस के लिए 10 लाख से ज्यादा मुहद्दिस पैदा हो गए, एक हदीस की रावी रिवायत का। तो इल्म वो था जो बयान हुआ, अब सारी मालूमात चल रही है। लेकिन हदीस में कितनी कितनी तहकीक की गई, इल्म उतरा जो अल्लाह की किताब की शक्ल है, ठीक है। एक एक आयत में कितनी कितनी तहकीक चल रही है, अभी तक यही मुकम्मल हुई नहीं, चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी, और हर जमाना एक नई तहकीक लाएगा उस पर। इल्म हुज्जत होता है, मालूमात हुज्जत नहीं होती। अगर तो पहले तो इल्म के मफहूम को ही समझो, इल्म अकल और इश्क क्या दो बातें मिलती हैं तो आलिम कस्बी होता है, और तीन बातें मिलती हैं तो आलिम हकीकी वह भी हो जाता है। अगर इल्म और अकल मिलती है तो ये कस्बी हो जाता है, और जब इससे इश्क हासिल हो जाए तो वो हकीकी हो जाता है। सुभान अल्लाह। क्यों? कि तीनों का असल ऐन है। सुभान अल्लाह। इश्क अकल सुभान अल्लाह। तीनों का असल ऐन है। अच्छा भाई, इसमें जो है जैसे कि आपने बताया कि दो तरीके से हासिल होता है, एक तो जाहिर है कि बाकायद आपने मदरसे में दिया हासिल किया, और दूसरा वो है जो वहाबी है। मैंने जो मजमून लिखा था तो मैंने उसमें अभी इतना ही की थी कि जिनको वहाबी इल्म होता तो उसके लिए शर्त मैंने लिखी उसमें कि बाकायदा शेख की तरबियत के बाद रहकर उसने पूरा शुरू करना मुकम्मल किया, खाली मुजर्रब दावा काफ़ी नहीं कि मुझे वह बात नहीं हो गया। हाँ, शेख तरबियत के बाद रहकर उसने हासिल किया, और वो शेख तरबियत जो फिर उसकी तस्दीक करे कि हाँ ये है उनका ज्ञान याफ्ता है, तो बाकायदा उसने सलूक किया है। देखें इल्म तीन गुट पर मुरक्कब है, नाम और एन इसका साथ है, और राम इसका जिब्राइल है, और मीम इसका अच्छा लाम जो है
ये तीन रूट पर बना के लाम अली लाम का असल मीम है, यानी कि लाम का मुहित मीम है और लाम का मरकज अलीफ है। ये भी समझाऊंगा वो क्या है। अच्छा, अब मीम, मीम में मुकर्रर मीम है, ये भी तीन हरकतों में रखी है। इन दोनों मीम के दरमियान में रिया है, पहला मीम मोहम्मद का है और दूसरा मीम मुर्शिद का है। सुभान अल्लाह, और या जो है वो रब्त है, बरज़ख है दोनों के दरमियान, और वो रब्त और बरज़ख का है फत्तबेउनी। जिस मुर्शिद की अताअत कामिल होगी, जिसका इश्क कामिल होगा, उसको उतना ही इल्म हासिल होगा। इसलिए इल्म लदुनी जो है वो बगैर इत्तबाए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बगैर रहनुमाई मुर्शिद के हासिल नहीं हो सकता। क्योंकि इल्म है अबद के लिए, अब्द के लिए, और जब अल्लाह ताला अब्द को इल्म अता कर देता है तो फिर उसके लिए होता है कि अलैहिस्सलाम भी काफी अब्द हो, बस ये क्या उसका रब उसके लिए काफी नहीं। और वो हासिल नहीं होता उस वक्त तक कि वो जब तक वत्तवक्कुल अलैहि फतीला बना रहा, जब बंदा तवक्कुल अलैहि तब्दीला में दाखिल होता है तो मैं कहता है कि रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखज़ुहु वकीला, कि फिर आप उसी को अपना कारसाज और वकील बना लें जो इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और वो मशरिक और मग़रिब का मालिक है। बात यही है कि वो असल चीज है, वो इल्म सुलूक है, लेकिन इल्म सुलूक अक्सर मामूलात इल्म शरीयत के बगैर हासिल है। क्यों? कि इल्म शरीयत के जरिए आदमी इल्म जाहिर के जरिए ज़ाहिरी अहमाल को समझता है, बर्तन को साफ करने के लिए कम से कम गोदी को जरूर चाहिए, एक पानी और एक साबुन या मिट्टी। ऐसा नहीं बता, तो अगर इन दोनों में से किसी चीज से भी साबुन से मिट्टी से बर्तन को पानी के जरिए साफ करा जाए तो वो काबिल इस्तेमाल हो जाता। यही हाल इल्म ज़ाहिरी का। अब इन दोनों चीजों के बगैर अगर हम कोई चीज साफ करना चाहें तो उसका एक फिर दूसरा तरीका है, वो एक ही चीज चाहिए, वो चाहिए आग, फिर उस पर रख दो, ठीक है। लेकिन
अगर जरूरत से ज्यादा हो गई तो बर्तन काम कर ही जाए। वो बगैर इन दोनों चीजों के है, यानी कि शरीयत का और दाईली इल्म के बगैर अगर कोई इसमें सब लोग हासिल करता है, बर्तन साफ करना तो आग में रख के करना पड़ेगा, यानी कि इश्क के जरिए। और इश्क आगे बढ़ गया तो किसी काम का नहीं रहा, फिर सबसे गया, फिर वो अपने भी काम का नहीं रहा। सही, मजनून हो जाएगा मैं है? मजनून हो जाएगा। मकसद ये बर्तन बेहतरीन हुआ जिसमें जो सबके काम आ जाए। सही, तो बात ये है कि असल में मसला सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये बात जानता हूँ कि मेरी खामी कौन तलाश कर रहा है। वही तलाश करेगा जिसको इल्म हो। है नहीं बात, उससे मैं डरूंगा कि ये ना ये हल खानता हूं। हिंदुओं की मिसाल है, कहते हैं कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो वो ज्ञान की बात, समझ दो ज्ञान किसको कहते हैं, समझदार को, आलिम को, कि अगर आलिम से आलिम मिलेगा तो फिर इल्म की बात होगी। तो वो कहते हैं कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो हो ज्ञान की बात, और खोते से खोता मिले तो हो लातम लात। तो लातम लात वाले चाहिए ना बात। एक बार हमारे पास एक दावत आई, पेट नहीं हो रही तो वास्तव में मैं भी बड़ा नाम मैंने लगा यार मुझे तो इतना टाइम नहीं मिलेगा। वो कहना थोड़ी देर के लिए आ जाना। हमारे एक दोस्त थे पीर जी, वो मुझसे कह रहे देखो यार तुम इसी तरह टाल देते हो, मैं आऊँगा मेरे साथ चलना। मैंने कहा यार ये बताओ तुम प्रोग्राम कब तक आओ, मेरे को फिर बैठना भी होता है। कह रहे नहीं हम लोग जल्दी आ जाएंगे, बाद बहुत अच्छी मेमोरी होगी। चलो हम लोग पहुँच गए वहाँ पर, मैं भी तैयारी हो रही थी, 11 बजे के टाइम पहुँच गए। तो वो कवाल में कवाली शुरू करी, वो पहले तो वो हम दो नाथ वगैरह पढ़ता रहा, फिर उसके बाद वो कहने लगे भाई कोई आशाना कलाम करो। तो उसने वो एक नाथ पढ़ी नबी वो दिलम फरसुल पारा, अबे वो एक सूफी उठे कह अबे तू फारसी में नहीं पढ़ सकता। उसने कहा कि मैं अरबी में पढ़ रहा हूँ। दूसरे सूफी साहब ने कहा अबे फारसी में पढ़ रहा, बैठ जा। वो बैठ गए। मैंने कहा सूफी जी मेरे साथ चले बन लो। अबे कह रहे थोड़ी देर बैठो यार। किसी ने उससे जाके कवाल पर फरमाइश करी, कवाली की, अब उसने शुरू कर दी। उसने वो तकरार उस कलाम में बार बार मुझे वो याद रह गई। वो कहता है दरिया बहा बा हुबाब अंदर, बुलबुले के अंदर दरिया बहा। हाँ दरिया बह रहा, दरिया बहा बा हुबाब अंदर। एक सूफी साहब को बज आ गया, और सारे खड़े होने पड़ गए, सब खड़े हो गए। और सूफी साहब बज जा रहा बड़ा दुर्बल तरीके से, अब वो चिल्लाना शुरू कर दिया उन्होंने बजने में, वाह 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 दरिया में बहा बंदर। मेरा सूफी जी क्या कह रहा सुन रहे हो, कह रहा कंबल कह रहा दरिया में बहा बंदर। मुझसे कह रहे अब चलो
तुमने बड़ा जवाब दिया जगह तुमने अबे करे ला मेरे को चलो मार चलो मैंने कहा अच्छा अब वो कमाल का ये बगल जुड़ गए कह रहा यार मैं कह रहा हूं दरिया बाबा बाबा ने कह रहा दरिया में बाबा अंदर मुझे भी देखा रहा मैंने कहा लो अब झगड़ा शुरू अब चलो बस समझ लग गया है अब तो यार ये वो सारे पीर थे अब तुम क्या करोगे उसका हम यार वो इधर तो दूर की बात है ना अब हमारा एक भाई वाक्य नाते कर मदीना शरीफ में नाते पड़ी केला दो घंटे नाते पड़ता रहा किसने को नुकसान कर दिया मैं कोई बात नहीं मैं चला रास्ते में मेरे को पड़े हुए सोने आल में मैंने कहा उन्होंने नजर न दी अल्लाह ने दे दी उठा के जेब ना अलग लुकता है उसके ऊपर भाजी में शर्म किसको पहुंचा मालिक को ढूंढे एक सुबह वही मुझे सुबह रात को अच्छे खासन के बोले थे काफी लोगों के पास उनके छुट्टियां बांधते तो उनको बड़ी छुट्टी बात है छोटी बांधते छोटी वाली टीम कहलाते एक दिन मुझे भाव से हम बाहर बैठे हैं तो वो निकल के जा रहे हैं हमने देखा वहाँ दो तीन लोग और बैठे हुए थे बात चल रही थी डब्ल्यू को पता क्या कहते हैं वो कह रहे कि हजरत सुलेमान जो थे हजरत बकर के मुरीद थे हैं पासी को हाँ और मैं भी देख रहा यार नहीं क्या कह रहे हो मैं सुबह ही क्या होगा कहाँ से आ रहे हो तुम अरे बाजार से आ रहा हूँ मैंने कहा थके हो कहाँ पैदल चल के आ रहे हो दादा तेरे से क्या हुआ कहने क्यों खैरियत अरे पूछ पाऊंगा कहने क्या हो क्या मैं तुम्हें मालूम नहीं क्या कह रहे अरे हाँ कहीं मैंने किताब में पढ़ा वो केरी जी थे अब वो कह रहे तुमने कौन सी किताब पढ़ ली भाई वो कौन से सुलेमान की बात कर रहा अरे कहने के वही जिनों वाले उन्होंने बोला तुम अपनी सलाह करो पहले पवा करो हजरत अबू बकर सिद्दीक के मुरीद थे हजरत सुलेमान फारसी ऐसा बात नहीं नहीं बोले अब वो बहस भी शुरू हो अरे मैंने कहा भाई मैंने कहा यार तुम भी गुनाहगार हो बाकी लोग भी गुनाहगार होंगे कुछ फ़ायदा नहीं इसके समझ में नहीं आया होगा इससे बात करो हनुमान जी इससे पूछो किसका मुरीद था ये सही बताया तुमने मैंने कहा अच्छा वो कह रहे ये बताओ अच्छा हनुमान बोले राम जी का मैंने देखा इसने जो पढ़ा है जो कर रहा है ये समझ में हो गया है ये तो हालत है क्या बोलो तुम और वो हकीकत में हनुमान के यहाँ मिलता उसी से वो दम खून करता था उसे उतारा करता था पेली पीले उसे झाड़ता और लगाते थे लोग अब किसी क्या पता क्या कर रहे हैं बाकी कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हमारे अंदर भी अलग हैं बहुत सारी गलत हैं लेकिन हम उसमें तवज्जो नहीं देते उसको कोई अगर अपना ही कोई अगर उस पर कोई बात करता है तो उसको बुरा समझते हैं कि ये बुरा है बहुत बातें भी बताते हैं इसलिए